द रेप ऑफ द लॉग रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप कैंटो नंबर 5। कैंटो 5 जो कि क्लैरिजा की स्पीच से स्टार्ट होता है। इन द बिगनिंग ऑफ दिस कैंटो 5 देयर वाज अ ब्यूटीफुल स्पीच बाय क्लैरिजा। कैंटो 5 के स्टार्ट में क्लैरिजा की स्पीच हम पढ़ चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकायदा तौर पर लड़ाई और इस जंग का आगाज होता है। इस मैदान जंग में दो पार्टीज हैं। वन पार्टीज इज ऑफ बेलिंडा साइड एंड द अदर ऑफ बैरन साइड, यानी कि एक पार्टी बैरन की है जो कि इस पोएम में एक विलन की हैसियत से है, और एक पार्टी इट इज ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा जो कि इस पोएम की हीरोइन है। अब जबकि दोनों पार्टीज की जानिब से स्पीचेस की जा चुकी हैं, तो आफ्टर दिस वर्बल फाइट अब इनके दरमियान बाकायदा तौर पर लड़ाई का आगाज होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल साइड इन पार्टीज एंड बिगिन द अटैक, फैंस क्लैप, सिल्क्स रसल एंड टफ व्हेल बोन्स क्रैक। ऑल साइड इन पार्टीज मीन के ये दोनों पार्टीज बन चुकी हैं, एंड बिगिन द अटैक और हमले का आगाज होता है। ये हमला करती हैं, फैंस क्लैप, सिल्क रसल, और खवातीन जो कि सिल्की ड्रेस पहने हुए हैं और उनके हाथ में फैंस हैं, ये फैंस क्लैप करते हैं, मीन के इनके फैंस आपस में टकराते हैं, इनके सिल्की ड्रेसेस इनकी सरसराहट की रसल करने लगते हैं। एंड टफ व्हेल बोन्स, व्हेल बोन्स जिनकी हेल्प से उनके ऑर्नामेंट्स और हेयर पिन्स बनाए गए हैं, टफ व्हेल बोन्स क्रैक, इनकी खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देने लगती है। हीरो एंड हीरोइंस शाउट्स कंफ्यूजली राइज एंड बेस एंड ट्रेबल वॉइसेस स्ट्राइक द स्काइज। हीरोज एंड हीरोइंस शाउट्स के हीरो और हीरोइंस की शाउट्स इनकी चीखें, इनकी ये बुलंद आवाजें कंफ्यूजली राइज, ये बुलंद होती हैं, लेकिन इन आवाज़ों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, ना ही कोई ये समझ सकता है कि ये क्या कह रहे हैं। एंड बेस एंड ट्रेबल वॉइसेस, बेस कहा जाता है मर्दाना भारी आवाज़ें, एंड ट्रेबल वॉइसेस बारीक और तीखी आवाज़ें जो कि औरतों की हैं। स्ट्राइक द स्काइज, ये आसमान को छूने लगती हैं। इन तमाम मर्दों खवातीन की कन्फ्यूज आवाज़ जिनको कि अलग नहीं किया जा सकता और ना ही इन्हें कोई समझ पाता है, इनकी ये चीखो पुकार आसमान को छूने लगती है। No common weapons in their hands are found, like gods they fight, nor dread a mortal wound. No common weapons in their hands, के इनके हाथ में कोई आम हथियार नहीं है। आम हथियार से common weapon से मुराद ये है कि वो weapon जो के fight में इस्तेमाल किए जाते हैं, जंग में इस्तेमाल होने वाला कोई weapon इनके पास नहीं है। Like gods they fight, और ये इस तरह से fight करते हैं, like they are gods, जैसा कि gods अपनी कुवत और power को किसी weapon की form में इस्तेमाल नहीं करते। ये फाइट भी इसी तरह से थी, लाइक गॉड्स आर फाइटिंग, नॉट ड्रेड अ मॉर्टल वाउंड, और ना ही उन्हें किसी इंसानी जख्म का खौफ था। सो व्हेन बोल्ड होमर मेक्स द गॉड्स इंगेज एंड हेवनली ब्रेस्ट विद ह्यूमन पैशंस रेज, जब ये बहादुर होमर गॉड्स को इंगेज करता है लड़ाई में, एंड हेवनली ब्रेस्ट विद ह्यूमन पैशंस रेज, हेवनली ब्रेस्ट मीन यानी कि ये खुदा, ये देवी और देवता ऐसा ही जज्बात और गम गुस्सा दिखाने रखते हैं जैसा कि इंसानी पैशंस एंड रेज, जैसा कि इंसान के जज्बात और गमो गुस्सा। जेंट्स पैलेस मार्स लेटोना हर्मिस आर्म्स एंड ऑल ओलंपस रिंग विद लाउड अलार्म्स। जेंट्स पैलेस मार्स लेटोना, दीज आर द नेम्स ऑफ गॉड्स एंड गुडेसेस, दे गेट आर्म्स, आर्म्स का मतलब हथियार, इट मीन के ये लड़ाई शुरू करते हैं। एंड ऑल ओलंपस, ओलंपस इज द नेम ऑफ माउंटेन, इसको होली माउंटेन कंसीडर किया जाता है जो कि गॉड्स और गुडेसेस का मस्कन है। रिंग विद लाउड अलार्म, ये बुलंद अलार्म से बजने लगता है, मीन के यहाँ जंग का नकारा बजाया जाता है, और ये ओलंपियस माउंटेन बुलंद अलार्म से बजने लगता है, गूंजने लगता है। जो थंडर रोअर्स, हेवन ट्रेम्बल्स ऑल अराउंड, ब्लू नेपच्यून स्टॉर्म्स एंड बेलोइंग डीपन्स द साउंड। जो थंडर रोअर्स, गॉड जोव जो कि जोर से धाड़ता है, इसके रोर करने की आवाज़ सुनाई देती है। हेवन ट्रेम्बल्स और अराउंड, आसमान कांपने लगता है। ब्लू कलर के नेपच्यून पर भी स्टॉर्म यानी कि तूफान है। एंड बेलोइंग डीप्स रिसाउंड्स, और गहराई में पाई जाने वाली गहरी खाइयां भी गूंजने लगती हैं। अर्थ शेक्स हर नोडिंग टावर्स, द ग्राउंड गिव्स वे एंड द पेल गो स्टार्ट एट द फ्लैश ऑफ डे। अर्थ शेक्स, जमीन शेक करती है। अर्थ शेक्स हर नोडिंग टावर्स, द ग्राउंड गिव्स वे, मीन के जमीन के नोडिंग टावर, ये माउंटेन्स को कहा जा रहा है। द ग्राउंड गिव्स वे, ये रास्ता देते हैं। एंड द पेल गोस्ट, और जर्द कलर की इनके भूत, स्टार्ट टू द फ्लैश ऑफ डे, ये दिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जमीन अपनी गहराई में कैद गोस्ट को रास्ता देती है और ये बाहर की जानिब निकलती हैं। ट्रम्प्ड अम्ब्रेल ऑन अ स्कॉन्स हाइट, क्लैप्ड हिज ग्लैड विंग्स एंड सेट टू व्यू द फाइट।
ट्रम्प अम्ब्रील, अम्ब्रील इज द नेम ऑफ स्पिरिट, बेरिंडा को गार्ड करने वाली स्पिरिट्स में से एक का नाम अम्ब्रील है। ऑन अ स्पॉन्स हाइट, ये एक कैंडल की हाइट पर, एक बुलंदी पर रखी गई कैंडल पर जा बैठती है। क्लैप हिज ग्लैड विंग्स, और खुशी से अपने पर फड़फड़ाती है। एंड सेट टू व्यू द फाइट, और लड़ाई को देखने के लिए बैठ जाती है। प्रॉप्ड ऑन देयर बोडकिन स्पीयर द सरप्राइज सर्वे द ग्रोइंग कम्बैट और असिस्ट द फ्रे। बोडकिन स्पीयर्स, यहाँ बालों में लगाई जाने वाली वो शार्प और तीखी पिन्ने हैं जिन्हें स्पीयर्स कहा गया है। द सरप्राइज सर्वे द ग्रोइंग कम्बैट, ये स्पिरिट्स इस ग्रो करती हुई बढ़ती हुई लड़ाई को देखती हैं। और असिस्ट द फ्रे, और अगर इनकी मदद की ज़रूरत है तो वो उन्हें असिस्ट करेंगी, यानी कि उन्हें मदद देगी। वाइल थ्रू द प्रेस इन वेड थलिस्टिस फ्लाइज एंड स्कैटर्स डेथ अराउंड फ्रॉम बोथ हर आइज। वाइल थ्रू द प्रेस इन वेड, प्रेस इन वेड मीन दबा हुआ गुस्सा, थलिस्टिस फ्लाइज के थलिस्टिस अपने तमाम पर गमे गुस्से को उगल देती है कि थेलिस्टिस अपनी स्पीच के जरिए दबे हुए तमाम गमे गुस्से का इजहार करती है। एंड स्कैटर्स डेथ अराउंड फ्रॉम बोथ हर आइज, और इसके बाद वो अपनी दोनों आंखों से अपने इर्द गिर्द डेथ फैलाने लगती है। और जैसे ही वो अपनी गमनाक और गुस्सा भरी हुई नजरें घुमाती है तो वो अपने इर्द गिर्द डेथ फैलाने लगती है कि उसे देखते ही लोग मरने लगते हैं। अ व्यू एंड विटनिंग पेरिश इन द थ्रॉन्ग, वन डाइड इन मेटाफोर एंड वन इन सॉन्ग। अब व्यू एंड विटनिंग, व्यू वेल ग्रूम नौजवान को कहा जाता है, एंड विटनिंग फहम इंसान, पेरिश इन द थ्रॉन्ग के इस हजूम में, व्यू एंड विटनिंग तमाम लोग खत्म हो गए थे, पेरिश इनके मर गए थे। वन डाइड इन मेटाफर एंड वन इन सॉन्ग, के कोई एक मेटाफर में मर गया, एंड वन इन सॉन्ग, और कोई एक गीत गाते हुए। इट मीन दे वर बिजी इन देयर एक्टिविटीज एंड वट एवर दे आर डूइंग दे डाइड एट वंस। जैसे ही थेलिस्टिस इन पर नजर डालती है वो अचानक ही खत्म हो जाते हैं। थेलिस्टिस की खमनाक और तीखी नजरें उन्हें एकदम से मौत से इनकार कर देती हैं, वो सडनली मर जाते हैं। ओह क्रूअल नेम्स, अ लिविंग डेथ आई बियर, क्राइड डेपरविट एंड संक बिसाइड हिज चेयर। ओह क्रूअल नेम्स, ये थेलिस्टिस को मुआतब हुए कहते हैं कि ओह जालिम लड़की, अ लिविंग डेथ आई बियर, कि अब मैं एक लिविंग डेथ में जीऊंगा। क्राइड डेपरविट, डेपरविट इज द नेम ऑफ अ बॉय, डेपरविट ये कहते हुए चिल्लाया। एंड संक बिसाइड हिज चेयर, और अपनी चेयर के एक तरफ ढलक गया। अ मॉर्नफुल ग्लेंस, सर फोपलिंग अपवर्ड कास्ट, दोज आईज आर मेड सो किलिंग, वॉज हिज लास्ट। अ मॉर्नफुल ग्लेंस, मॉर्नफुल ग्लेंस मीन एक बहुत ही दुख भरी नजर, फोपलिंग ऊपर की जानब आसमान की जानब एक दुख भरी नजर से देखते हैं और ये कहते हैं दोज आईज आर मेड सो किलिंग, कि ये आंखें किस कदर किलिंग हैं, ये किल करने वाली हैं, मार डालने वाली हैं, जालिम आंखें, वॉज इज लास्ट, ये उनकी आखिरी बात थी। वॉज इज लास्ट मीन के ये कहते हुए वो खत्म हो जाते हैं, ये उनकी आखिरी बात थी। दस ऑन मेंडर्स फ्लॉपी मार्जिन लाइज द एक्सपायरिंग स्वान एंड एज ही सिंक्स ही डाइज। दस ऑन मार्जिन्स के इस तरह से, मार्जिन इज द नेम ऑफ अ रिवर, ये दरिया का नाम है। फ्लावरी मार्जिन, इसकी फूलों भरे किनारे पर लाइज द एक्सपायरिंग स्वान, एक्सपायरिंग स्वान एक दम तोड़ती हुई खत्म होती हुई स्वान की तरह से। एंड एज ही सिंग्स ही डाइज, और जैसा ही वो ये कहते हैं वो मर जाते हैं। वेन बोल्ड सर प्लूम हैड ड्रॉन क्लैरिजा डाउन क्लोज स्टेप इन एंड किल्ड हिम विद अ फ्राउन। वेन बोल्ड सर प्लूम, और बहुत ही बहादुर सर प्लूम, हैड ड्रॉन क्लैरिजा डाउन, जैसा ही वो क्लैरिजा के करीब आते हैं, क्लोज स्टेप इन, और जैसा ही वो आगे बढ़ते हैं, एंड किल्ड हिम विद अ फ्राउन, तो क्लैरिजा सिर्फ अपनी एक फ्राउन से, फ्राउन कहा जाता है माथे पर बल डालना, तेवरी चढ़ाना, गुस्से से देखना, तो क्लैरिजा अपनी एक फ्राउन से, एक गुस्से भरी तेवरी से उन्हें किल करती है, मार देती है। शी स्माइल्ड टू सी द डॉफ्टी हीरो स्लेन, बट एट हर स्माइल द ब्लू रिवाइव्ड अगेन। क्लैरिजा इस बोर्ड सरप्लूम इस डॉफ्टी हीरो को स्लेन करते हुए, यानी कि गिरते हुए और मरते हुए देखती है तो स्माइल करती है। शी स्माइल्ड, जैसे ही वो स्माइल करती है, बट एट हर स्माइल द ब्लू रिवाइव्ड अगेन, तो उसकी स्माइल को देखते हुए ये नौजवान फिर से रिवाइव हो जाते हैं, जिंदगी की तरफ पलट आते हैं। इनफैक्ट इन दिस लाइन्स द लाइफ ऑफ दिस यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर सेटायर्ड, एक ह्यूमर वे में इन यूथफुल लाइफ को सेटायर किया गया है, इस वक्त की मॉडर्न और यूथफुल लाइफ को एक ह्यूमरस वे में सेटायर किया गया है। इसके बाद वो कहते हैं नाउ जोव सस्पेंड्स हिज गोल्डन स्केल्स इन एयर वेज द मैन्स बीड्स अगेंस्ट द लेडीज हेयर।
नाउ जॉब, जॉब इज द नेम ऑफ गॉड, जो कि गॉड का नेम है, सस्पेंड्स, ये सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, हिज गोल्डन स्केल्स इन एयर, अपने गोल्डन स्केल्स, स्केल्स का मतलब है तराजू। अब यहाँ गॉड जॉब अपना गोल्डन स्केल यानी कि गोल्डन कलर के तराजू को हवा में ठहरा देते हैं, वेज द मैन्स वेट्स अगेंस्ट द लेडीज हेयर, लेडीज हेयर खवातीन के बाल, एंड मैन्स वेट और मर्दों की अकलो फहम, कि इस स्केल में, इस तराजू में इन दो चीजों को साइड बाय साइड रखा जाता है, एट वन साइड देयर आर मेंस विट, मर्दों का अक्लो फहम, एंड लेडीज हेयर खवातीन के बाल, गॉड जॉब के इस गोल्डन स्केल में पुट की जाती हैं ताकि इनका वजन किया जाए, एंड इन दिस वे वी कैन चेक दैट विच वन इज द हैवी, और इसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि विच थिंग इज हैवियर एंड विच वन इज मोर वैल्यूएबल, कि कौन सी चीज ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। इनफैक्ट दीज आर वेरी ह्यूमरस लाइंस। The doubtful beam, long notes from side to side, at length the wits mount up, the hair subside. A doubtful beam, और फिर इस तराजू की ये लाइन a doubtful doubt में रहती है, शको शुभात में रहती है, long notes from side to side, के ये बहुत देर तक इधर और उधर नोट करती है, झुकती है, कि ये तराजू बहुत देर तक डाउट में रहता है, शक में रहता है, बिकॉज फैसला नहीं कर पाता। एट लेंथ, और फिर बहुत देर में, द विड्स माउंट अप, द हेयर सबसाइड, द विड्स माउंट अप, विड्स जो के मर्दों की थी अक्लो फहम, माउंट अप, ऊपर उठ गए, द हेयर सबसाइड, और बाल, सबसाइड मीन झुक गए, झुकने वाली चीज, बिकॉज इट इज हैवियर, इसका मतलब है कि हेयर्स वर हैवियर, खवातीन के बाल हैवियर थे, वो झुक गए, एंड विड्स माउंट अप, विड्स जो के हल्की थी ये उठ गई। इन दिस वे इट कैन बी डिसाइडेड दैट वीमेंस हेयर आर मोर प्रीशियस एंड वैल्यूएबल, के खवातीन के बाल ज्यादा प्रीशियस हैं, ज्यादा वैल्यूएबल हैं। सी फीरस बेलिंडा ऑन द बैरन फ्लाइज विद मोर देन यूजुअल लाइटिंग इन हर आईज, ये देखते ही बेलिंडा निहायत गुस्से से बैरन की तरफ फ्लाई करती है, उसकी तरफ बढ़ती है, विद मोर देन यूजुअल लाइटिंग इन हर आईज, और इसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी, मोर देन यूजुअल, मामूल से ज्यादा इसकी आंखों में बेहद चमक थी, नॉर फियर द चीफ द अनइक्वल फाइट टू ट्राई हु सॉट नो मोर देन ऑन हिज फोर टू डाई, कि ये फाइट, नाउ दिस फाइट वाज अनइक्वल, अब ये बराबर की लड़ाई नहीं थी, हु सॉट नो मोर देन ऑन हिज फोर टू डाई, और फाइट में कौन अपने दुश्मन को मरते हुए देखना नहीं चाहता। अब यहाँ बेलिंडा के बालों की कम से कम कीमत यही थी, वो अपने फोर यानी के दुश्मन बैरन को मरते हुए देखना चाहती थी। बट दिस बोल्ड लॉर्ड विद मैनली स्ट्रेंथ एंड्योर्ड शी विद वन फिंगर एंड अ थंब सबड्यूड, बट दिस बोल्ड लॉर्ड, लेकिन ये बहादुर लॉर्ड, बहादुर नवाब, विद मैनली स्ट्रेंथ एंड्योर्ड, मैनली स्ट्रेंथ मीन बहुत ही मर्दाना कुव्वत और जुर्रत रखते हुए एंड्योर्ड, उसने इसको बर्दाश्त किया और उसने सर्वाइव किया, वो जिंदा रहा, जस्ट वेयर द ब्रेथ ऑफ लाइफ हिज नॉस्ट्रल ड्रू, और जैसे ही उसकी नॉस्ट्रल यानी के नाक में हवा पहुंची, उसने सांस ली, अ चार्ज ऑफ स्नफ विद विली वर्जन थ्रू, तो इस विली वर्जन, इस होशियार लड़की ने इसकी तरफ स्नफ फेंक दिया, द नोम्स डायरेक्ट टू एवरी एटम जस्ट द पंजेंट ग्रेन्स ऑफ टिटिलेटिंग डस्ट, द नोम जो कि स्पिरिट्स को कहा गया है, ये स्पिरिट्स इस पंजेंट ग्रेन्स के यानी के चुभने वाले ये ग्रेन्स या खुशबू इसका हर एक डस्ट इसके नाक में दाखिल कर देते हैं, सडन विद स्टार्टिंग टीयर्स ईच आई ओवर फ्लोज एंड द हाई डोम री इकोज टू हिज नोज, सडन और फिर अचानक से, विद स्टार्टिंग टीयर्स ईच आईज ओवर फ्लो, इसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं, एंड द हाई डोम री इकोज टू हिज नोज, और हैम्पटन कोर्ट के बुलंद गुंबद इसकी चीखों से गूंज उठते हैं, री इकोज का मतलब है इसकी बाजगश्त पलट कर आती है, बाजगश्त सुनाई देती है और इसकी चीखें आसमान को छूने लगती हैं।